बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी से रिलेटेड, हम बात करने जा रहे हैं। बेटा जी, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक आयरन है और एक वुड है, इन दोनों मटेरियल में से कौन सा भारी होगा, तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो क्वान्टिटी आप जिन दोनों मटीरियल को आप कंपेयर कर रहे हैं, इनमें ये क्वांटिटीज़ क्या है, इनका मास क्या है, इनका वॉल्यूम क्या है। अगर आपको कहा जाए कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो आप जो डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो आयरन है वो वुड के मुकाबले में क्या है, हैवियर है। अब कोई भी चीज़ हैवियर है या लाइटर है, उसको डेंसिटी के हिसाब से डिफ़ाइन किया जाता है। डेंसिटी को जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके बाद इसकी यूनिट लिखेंगे, डेंसिटी जो है मास के यूनिट आपको पता है किलोग्राम, वॉल्यूम के यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ द डेंसिटी। अब डेंसिटी इक्वेशंस हैं, इसी को मॉडिफाई किया गया है, डेंसिटी इक्वेशन। अब जो डेंसिटी इक्वेशन है उनके बारे में बात की जा रही है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, अभी आपको डिफाइन किया है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास क्या होगा और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। दीज आर द डेंसिटी इक्वेशन। बोर्ड के पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन डेंसिटी आल्सो राइट डाउन द डेंसिटी इक्वेशन, तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके आपने तीन इक्वेशन में लिखना होगा, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सिंपल जो है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बेटा जी, कोई भी मटेरियल अभी आपको बताया गया है वो लाइटर है या हैवियर है, वो डेंसिटी के टर्म में डिफाइन होता है। अब मैंने आपके सामने जो चार मटेरियल गिवन है, ठीक है, कॉपर है उसकी डेंसिटी 8900, मरकरी है वो 13600, एलमिनियम है 2700, लेड जो है वो 11200, ये चार मटेरियल हैं, इनकी जो डेंसिटी गिवन है। अब आप देखें जो सबसे कम डेंसिटी है वो एलमिनियम की है, इसका मतलब है जो एलमिनियम होगा इन चारों में सबसे क्या होगा, लाइटर होगा। जो लाइटर एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एलमिनियम होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी इन सब के मुकाबले में जो है वो क्या है, कम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एलमिनियम इज लाइटर देन कॉपर, मरकरी एंड लेड। अब इसके बाद कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपको बताई जाएंगी। अब आप एक बात जानते हैं, डेसीमीटर क्यूब जो होता है, 1 decimeter cube इज इक्वल टू 1 liter, और 1 decimeter जो होता है, डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 centimeter। अब डेसीमीटर क्यूब को आप डेसीमीटर इनटू डेसीमीटर इनटू डेसीमीटर लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब है, इसको 3 times लिख दिया है, दैट इज इक्वल टू 1 liter। अब 1 decimeter इज इक्वल टू 10 centimeter, दैट इज इक्वल टू 10 centimeter इंटू 10 centimeter इंटू 10 centimeter 1 liter। अब इसके बाद जो 10 centimeter इंटू 10 centimeter इंटू 10 centimeter दैट इज इक्वल टू 10³, ये सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 liter, 10³ 1 liter इज इक्वल टू 10³ सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है दैट इज इक्वल टू 1 meter इज इक्वल टू 10²² centimeter, 1 centimeter इज इक्वल टू 10²-2 meter। ठीक है, 10²² डिनोमिनेटर आएगा, डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 10²-2 meter। अब 10³ centimeter की जगह पर 10²-2 centimeter मीटर होल क्यूब आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 liter, 10³ × 10⁻⁶ meter³ इज इक्वल टू 1 liter। अब बेस सेम पावर विल बी एट 10⁻³ meter³ इज इक्वल टू 1 liter,
अब मीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 10^-3। मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^3 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। जी बेटा जी, एक MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। और 1 लीटर इज इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद एक और दो बातें हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है, उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से। अब बेटा जी, आपको पता है अभी 1 मीटर इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^-2 मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 10^-6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^-6 मीटर क्यूब। अब इसके बाद एक और है, दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है, ठीक है। के शो दैट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम 10^3 ग्राम मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर, दैट इज क्यूब। 10^3 इंटू 10^3 ग्राम, 10^6 सेंटीमीटर। जो 10^2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। ये 10^6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये बड़े शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, शो दैट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको डेरिवेशन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, kg इज इक्वल टू 1000 kg इज इक्वल टू 10^3 ग्राम, जो 1000 ग्राम। मीटर क्यूब इज इक्वल 10^2 सेंटीमीटर, 10^3 क्यूब लिया। 1 मीटर इज इक्वल 10^2, 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। जो 10^3, 10^3, 10^6 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा जी, ये आसान थी, यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी, और डेंसिटी का टॉपिक आपको बताया गया है, और ये MCQs बताया गया है। कॉपर, मरकरी, एलुमिनियम, लेड, इनमें से जो लाइटर है वो एलुमिनियम है। क्यों? क्योंकि एलुमिनियम की इन बाकी के मुकाबले में जो डेंसिटी है वो स्मॉलर है, तो इसलिए एलुमिनियम इज लाइटर देन द अदर मेटल, दैट इज कॉपर मरकरी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।